Welcome to our online classes by SM Children Academy. This is Juhi Sharma, and you know, students, that we are going to start our next chapter, which is coordinate geometry. So, बच्चों, chapter start करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि chapter बहुत ही interesting chapter है, बहुत ही easy chapter है, right? इस chapter coordinate geometry के बारे में हमने 9th class में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया था, पर अभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना है. तो start करते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? फर्स्टली स्टार्ट विद द कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? अ प्लेन दैट दिस सिस्टम, ये सिस्टम आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में, वाई दिस इज वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यू विल कॉल इट एक्स एक्सिस, राइट? दिस इज द राइट साइड विल बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड विल नेगेटिव, एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन वाई के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे यहां पर? पॉजिटिव, एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई विल बी नेगेटिव. यू नो, इतना बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी पॉइंट को अगर हमें डिनोट करना होता है ऑन द कार्टेशियन प्लेन तो वो भी आपको आता है. इट मैंने आपको बोला डिनोट द पॉइंट 2 and 3, राइट? 2 and 3 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, 2, 3 है ना, राइट? मैंने लिखा दिस इज द पॉइंट पी 2, 3, राइट? डिनोट ऑन द कार्टेशियन प्लेन. तो बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, एंड यू नो द वर्ड. 9th क्लास में वर्ड पढ़ा था एप्सिसा. एप्सिसा यूज फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ वाई. वाई की वैल्यू को कोऑर्डिनेट बोलते हैं और एप्सिसा बोलते हैं एक्स की वैल्यू को, ठीक है? इट मींस अगर मैं आपको बोलूं बेटा डिनोट द पॉइंट पी 2, 3 ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन, राइट? तो कैसे आप शो करेंगे, ठीक है? दिस इज एक्स है ना, तो आपको एक्स मार्क करना पड़ेगा. इट मींस 2 विल बी होगी डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होगी 2, राइट? तो ये पॉइंट मार्क हो गया 2 ऑन एक्स एक्सिस, एंड 3 ऑन द वाई एक्सिस, 3 ऑन द वाई एक्सिस. एंड जब आप उनको परपेंडिकुलरली मीट कराते हैं तो देन यू गेट अ पॉइंट व्हिच इज दिस, एंड दिस पॉइंट विल बी पी 2 and 3, राइट? दिस पॉइंट 3, 2 and 3, एंड यू नो बच्चों, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट 0, 0, ठीक है? 0, 0, 0, 0 मीन्स इन दिस पॉइंट एक्स एक्सिस एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो 0. दोनों की वैल्यू 0 होगी और इसको बोलते हैं हम ओरिजिन. दिस इज ओरिजिन, राइट ना? दिस इज ओरिजिन. ओके, नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या चीजें आती हैं? फर्स्टली रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट एक्सिस. रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट एक्सिस जो मैंने आपको बोला वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हैं? रेक्टेंगुलर मींस एंगल इज 90 डिग्री एवरीवेयर, हियर हियर एंड दिस, राइट? एंड नाउ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट यू नो द हियर इज फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं ना. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ, राइट? इन द क्वाड्रेंट कन्वेंशन ऑफ साइन. साइन का कन्वेंशन कैसे होता है? सी एक्स एंड वाई, ठीक है, बोथ पॉजिटिव. इन दिस एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, इट मींस यू विल राइट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, माइनस एंड प्लस, एंड इन दिस एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव. सो इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, ओके, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट वाई इज नेगेटिव एंड एक्स इज पॉजिटिव, इट मींस प्लस माइनस. यू विल राइट इट कन्वेंशन ऑफ साइन. क्वाड्रेंट कितने होते हैं? पॉइंट्स ऑन एक्सिस. एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स, जो भी मैंने शो किया है पी 2, 3, दिस इज द पॉइंट ऑन एक्सिस, ठीक है? एक क्वाड्रेंट के अंदर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पॉइंट पी, पी पॉइंट लाई कर रहा है क्वाड्रेंट फर्स्ट में, ठीक है? अगर मैंने आपको बोला पॉइंट पी -2, -3, ठीक है, तो साइन देखेंगे, साइन में भी निगेटिव एंड निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना. इसी तरह पॉइंट 2 and -3 ये कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड पॉइंट -2 and -3 ये लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. अंडरस्टैंड ना, दिस इज ऑल बेसिक ऑफ 9th क्लास. ये पूरा 9th क्लास का बेसिक था जो आपने 9th में पढ़ लिया. अब 10th क्लास में क्या नया है वो पढ़ने वाले हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, उनके बीच में कॉमा लगा कर लिख देते हैं. जैसे मैं लिखने जा रही हूँ पॉइंट्स पी पॉइंट, ये पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक? दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, मीन्स आई एम टेलिंग दैट दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पी एक्स वाई, दिस इज पी एक्स वाई पॉइंट, ओके? एंड ठीक है, ये पी एक्स वाई पॉइंट यहाँ पर लाया कर रहा है. इट मीन्स क्या मतलब है इस बात का? दिस
विच इज एक्स वाई, एक्स वाई पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं पी पॉइंट के एक्स वाई, समझ रहे हैं ना। एंड इसका मतलब क्या होता है, अगर एक्स मीन्स एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस ने कवर की है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर की है यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस, एंड ऑन द वाई एक्सिस ये डिस्टेंस ने कवर की है वाई डिस्टेंस, ओके। देन तभी तो ये पॉइंट आया पी एक्स वाई, ठीक है। अब मैंने आपको बोला बच्चों पी एक्स वाई, क्या कोई पॉइंट पी एक्स वाई इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कहीं और भी लाई कर सकता है, ये पॉइंट दिस पॉइंट कैन लाई एनी अदर क्वाड्रेंट, ओके। यू विल से नो दैट दिस पॉइंट इज अ यूनिक पॉइंट, है ना, हर एक पॉइंट अपने आप में यूनिक होता है, एक पॉइंट है तो वो एक ही क्वाड्रेंट में होगा, एक ही सिंगल पॉइंट होगा, ठीक। अगर मैंने आपको बोला पी माइनस एक्स वाई, ठीक है, दिस पॉइंट विल लाई, दिस पॉइंट विल लाई इन द दिस सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज ऑन द एक्स एक्सिस डिस्टेंस मूव कर रहा है सेम डिस्टेंस एक्स, एंड ऑन वाई एक्सिस इट मूव द सेम डिस्टेंस वाई, बट दिस साइन शोज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दिस मींस लेफ्ट साइड इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड। देन द पॉइंट पी माइनस एक्स वाई विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, समझ आ रही है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। अगर मैं आपसे बोलती हूँ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है बेटा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है इस पॉइंट की एक्स, है ना, एक्स डिस्टेंस प्रूव किया, और यहाँ पर भी इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है एक्स, ठीक है, ना कि माइनस एक्स, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव होती है, वो साइन ड्यू टू द लेफ्ट साइड, ठीक है, वो निगेटिव लेंगे, बट डिस्टेंस कैसी होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, इट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी टेल मी, और एक्स एक्सिस से कितनी होगी, और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस होगी, एक्स यूनिट डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स यूनिट डिस्टेंस, राइट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी वाई यूनिट, है ना, वाई यूनिट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन ये एक्स, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं इस पॉइंट को ओ से पी को ज्वाइन कर देती हूँ, देन दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ये वाई है, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल यू विल अप्लाई द पाइथागोरस फॉर्मूला विच सेज दैट द डिस्टेंस ओ पी, ओ पी आई एम गोइंग टू टेक ओ पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू टेक एम ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, राइट, अंडर रूट दिस, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके बेटा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट्स, अभी बात कर रहे थे ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, लेकिन अगर कार्टेशियन प्लेन में आता है कि डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, अगर इसी प्लेन में एक पॉइंट पी ले लेती हूँ, एक पॉइंट क्यू एंड आर, अब इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है, ओरिजिन का आपको पता है कि कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होते हैं, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी, लेकिन इन दोनों कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आप पढ़ेंगे चैप्टर सिक्स के अंदर वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे ड्राइव निकालते हैं और उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे इसके अंदर, और थर्ड टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट ईयर पढ़ते थे, बट अभी सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है चैप्टर से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वी विल नॉट कवर, we will cover in this chapter distance between two points and the section formula. So let's start finding the formula distance between two points. Okay? Distance between two points. Formula क्या होगा distance between two points? ठीक है? कहाँ से ये formula आता है? कैसे हम निकालते हैं formula? ठीक है? वो करेंगे. This is the Cartesian plane. This is x o x dash is x axis and y o y dash is the y axis. Okay, A and B are the two points. The coordinate of A point is x na y and coordinate of B point is x 2 y 2. This is the origin. ठीक है? ठीक. X o x dash and y o y dash are x axis
y axis respectively. Right? And O is origin. A, x1, y1 and B, x2, y2 are the two points. 2 points. ये दो points हैं जिनके बीच में आपको distance find करनी है. तो first we draw AN is perpendicular to OX and BN is perpendicular to. First we draw AN is perpendicular to OX and BM is perpendicular to OX. Right? And now draw the next perpendicular R. ठीक है? R ले सकते हैं. AR. Okay, AR is perpendicular to BM. AR is perpendicular to BM. AR BM के ऊपर perpendicular है. तो अब देखो बच्चों कैसे बनते हैं. OL, ठीक है, the point is x1 and y1. It means y axis से कितनी distance है इसकी? x1 distance है ना यहाँ से यहाँ तक. OM, इस point के लिए x2 distance है. अगर मैं आपसे पूछूं AM distance कितनी बचेगी? It means you will tell me that man x2 minus x1 is the distance between AM and M point, right? And in the for the y axis, देखो, this is the point A, ठीक है? तो y axis पर कितना move किया? Y1, it means यहाँ से यहाँ तक distance कितनी होगी? Y1 and for the B point कितना move किया y axis पर? Y2, ये distance होगी y2, right? And students, I am telling you that find the BR. BR कितनी होगी? BR will be y2 minus y1. Obviously, y2 minus y1 होगी. क्योंकि पूरी y2 है और mr y1 है. समझ आए? Now distance between a and b, बोलो कितनी distance होगी? This is the distance between a and b, है ना? It means you see that here is right angle triangle abr, ठीक है? Now find on equal x, om x1, I am going to write it x1, om equal x2 and OLM, LM will be x2 minus x1, right? And now BM, BM equal x2, BM, BM is y2 and RM is y1, okay? And BR, BR will be, we have find already y2 minus y1, right? And the distance will be in triangle A, R, B. Distance AB is equal to under root AR square plus BR. AR square plus BR square. BR square. It means AR is AR. AR is equal to LM. I am going to write it LM. LM square. And BR, BR is BR रखेंगे, ठीक है? Plus BR square. Understand? Now AB, distance between two points. AB will be LM, value of LM, x2 minus x1, x2 minus x1 square. Plus value of BR, y2 minus y1 square. Okay, this is the formula finding the distance between two points. राइट अगर ये डिस्टेंस ओरिजिन से होगी तो एक पॉइंट जीरो जीरो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. अंडरस्टैंड ना कैसे फॉर्मूला आता है. अब इसकी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? आज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स व्हिच आर गिवन इन एक्सरसाइज 6A. So, let's see the first problem is, find the distance between the points A, minus 4, 7 and B, 2, minus 5. You have to find the distance between these two points. In two points, you need distance find karni hai aapko. It means, kya formula bataya tha distance ka? Wahi formula hai laga denge aur distance aa jayegi. The given points are A. A is given minus 4, 7, B is 2, minus 5. Minus 4, 7 and D 2,
is minus 4. X2 is 2. Y1 is 7. And Y2 is minus 5. Understand now? This is X1, Y1, X2, Y2. Now apply the formula of distance. Distance AB is equal to AB will be under root X2 minus X1 square plus Y2 minus Y1 square. Right? Now put the values. X2 is equal to minus X1 minus 4 whole square plus Y2 minus 5 minus 7 whole square. Right? And solve it. 2 plus 4 square plus
minus 6 and the origin is 0, 0. The given point is, C, minus 4, minus 6. C, minus 4, minus 6. And the origin is, and the point of origin O, 0, 0. Okay? Then x1 equal minus 4, x2, 0, and y1 minus 6, y2, 0. Apply the distance formula, OC. OC will be x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, right? And put the values x2 minus x1 square, x2, 0, minus minus 4 square plus y2 0 minus minus 6 square. 4 square 16 plus 36. ठीक है, अंडर रूट 52. 2 अंडर रूट 13 यूनिट. राइट, डिस्टेंस OC आ गई 2 अंडर रूट 13. ठीक है, और सिंपल था बच्चों कि अगर x1 x2 नहीं लेना, ठीक है, हमें पता ओरिजिन तो 0 है ही, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर OC. ठीक है मैम, ये गेट द वैल्यू 2 अंडर रूट 3. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B. यू हैव टू फाइंड दैट पॉइंट जो बराबर डिस्टेंस पर है A और B दोनों से. इट मींस A और कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज P पॉइंट, देन P A देन इक्वल टू P B, दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी. ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. द पॉइंट ऑन y एक्सिस, यू नो बेटा y एक्सिस पर अगर पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 होगा. एंड अगर पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पर, तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 होगा ना. ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, राइट. पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ऑन द y एक्सिस. y एक्सिस पर पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली y एक्सिस पर x की सारी वैल्यूज 0 होती है, और ऑन द x एक्सिस y की सारी वैल्यूज 0 होती है. अंडरस्टैंड, तो पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पर, इट मींस यू विल टेक द पॉइंट यस 0 y. ओके, नाउ स्टार्ट. लेट द पॉइंट इज p 0 y. ओके, एंड द गिवन पॉइंट्स आर a एंड b. ठीक, A की वैल्यू, A के कोऑर्डिनेट्स 6 एंड 5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर -4 एंड 3. ओके, अब ये पॉइंट P A और B दोनों से इक्विडिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर है. इट मींस क्या होगा, P A और B भी इक्वल होगी ना, दोनों की सेम डिस्टेंस आएगी. इट मींस यू विल राइट A एंड B आर इक्विडिस्टेंस from P, then AP equal AB, right? AP AB के बराबर होगी. अच्छा ठीक है, AB AB के इक्वल होगी. अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ तो उनके स्क्वायर्स भी तो इक्वल होंगे ना. AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है. AP इसको x का ले लेते हैं, इसको x को ले लेते हैं. मींस कितना हो जाएगा, AP की वैल्यू 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 x2 माइनस 5 माइनस y स्क्वायर इक्वल a b. जब y फाइंड करेंगे देन यहां पर x1 ये, ठीक है, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2. अभी इसकी बात कर रहे हैं तो x1 x2 y1 y2, राइट. तो कितनी हो गई x संख्या क्यों, माइनस 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर, राइट. 3 माइनस 1 स्क्वायर नाउ सॉल्व इट. 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10 y
इक्वल 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, राइट? समझ गए? 36 प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इक्वल 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, 25 एंड 25 y स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ओके? 10y एंड 6y, 10y माइनस 6y इक्वल 36, 4y इक्वल 36 and you get y equal 9. Hence the point is kya hoga point P 0 and 9 jo equidistance hoga A aur B dono se, right? Now next question, which is last question of this video, find those point on x axis each of which is at a distance of 5 units from the point A 5 3, ठीक है? वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपको जिसकी 5 यूनिट डिस्टेंस है A पॉइंट से, ओके? फाइंड दोस पॉइंट्स ऑन x एक्सिस ईच ऑफ व्हिच इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट A 5 3, ठीक है? x एक्सिस पर पॉइंट लाई करना चाहिए. अब बेटा x एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है, मींस क्या होगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है? एंड इस पॉइंट से कितनी यूनिट डिस्टेंस पर है? 5 यूनिट डिस्टेंस पर है. लेट्स सी, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी, ठीक है? x एक्सिस पर लाई कर रहा है, y 0 है, मींस यू विल टेक x 0, ओके? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है? इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन पी ए, डिस्टेंस इक्वल जो पी ए डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है? 5 यूनिट, राइट? पॉइंट वाज, पॉइंट क्या है? ए पॉइंट एंड द गिवन पॉइंट इज, एंड द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट ए इज इक्वल 5 3, राइट? दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? एंड प्लस माइनस 3 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल 5 यूनिट, ठीक है? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर एंड 25, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 9 इक्वल 25, राइट? एंड एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 9, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, यानी मैं लिखूंगी माइनस x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल 0, राइट? कॉमन x, x माइनस 1, कॉमन माइनस 9x माइनस 9 इक्वल 0, x माइनस 1 एंड x माइनस 9, सो आई गेट x इक्वल 1 एंड x इक्वल 9. द पॉइंट विल बी, हेंस द पॉइंट्स आर, द पॉइंट्स आर, यस, पॉइंट्स विल बी x 1 एंड 0 एंड 9 एंड 0, राइट स्टूडेंट? समझ गए ना कैसे डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसके बाद सेक्शन फार्मूला करेंगे, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग, ओके?